नमस्कार, मी रानी कासलीवाल, एटीव्ही न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा एटीव्ही न्यूज 24 तास। त्रिपुरा येथे इस्लाम धर्मियांचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी, तसेच मुस्लिम समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्याच्या उद्देशातून काही निवडक व्यक्तींद्वारे देशात शांतता भंग होत असून दहशतवादी विचारसरणीच्या व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी रजा अकादमीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले। यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन देऊन रजा अकादमीचे जिल्हाध्यक्ष सय्यद साबिर अली यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुस्लिम समाजाच्या वतीने निषेध नोंदवण्यात आला। तर या घटनेसंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीने देखील पाठिंबा दिला आहे। पाहूयात सविस्तर वृत्त। आज इस रजा अकादमी की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में जो चीज का निवेदन दिए गया है, उसी तरह अहमदनगर के सभी हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से और हमारे बहुजन समाज के भी हमारे को पाठिंबा आया। अभी इस तरह से एडिशनल कलेक्टर साहब को हमने निवेदन देके जो हमारे पैगंबर की विडंबना बार बार करते हैं उन पर कठोर कार्रवाई करना और त्रिपुरा की जो सरकार है उसको ताबड़तोड़ बर्खास्त करना, ऐसी मांगनी हमने पूरे हिंदुस्तान में मांगनी की है। इस तरह से इस आज का निवेदन हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को दिया और उनसे विनंती की कि हमारे समाज की बार बार हमारे पैगंबर की जो विडंबना हो रही है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना, और अगर इसके बाद भी अगर रुकता नहीं तो उसके आगे का रास्ता हम आंदोलन से लेंगे। रास्ता रोक करने वाले हैं, रास्ते पे उतरने वाले हैं, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। इसके बाद अभी बार बार हमारे रसूल की गुस्ताखी करने वालों को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रदेशाध्यक्ष रेखा जडापूर यांच्या आदेशाने संपूर्ण महाराष्ट्र दूर असलेल्या या आंदोलनासाठी पाठिंबा देण्यासाठी आज वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांसह आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। जो रजा अकॅडमी आणि इतर त्यांच्यासोबतच्या ज्या संघटना आहेत, सर्व संघटनांच्या सोबत वंचित बहुजन आघाडी या इथून पुढे पण कुठल्याही अन्याय अत्याचाराच्या संदर्भामध्ये उभी राहील असा शब्द या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मी देतो आणि थांबतो। जय शिवराय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुस्लिम समाज ने, अहमदनगर के समाज ने रजा अकेडमी को पाठिंबा देते हुए यहाँ पर अहमदनगर के अंदर जो त्रिपुरा के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हुई और हमारे माइनॉरिटी समाज को तकलीफ दी गई, कत्ल किया गया, यहाँ पर हम लोग इस तौर से यहाँ से निषेध नोंदते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर भारत सरकार इस चीज के अंदर रोकने में अगर नाकामयाब है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माइनॉरिटी का समाज है, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी का समाज है वो सक्षम है, माइनॉरिटी का समाज सक्षम है हमारे इस चीज को है ना पूरा पाठिंबा देने के लिए और हमारा काम करने के लिए। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे पूरे दुनिया के लिए पैगंबर बोलकर आए हैं और इन्होंने अच्छाई का और सच्चाई का ये दिया, उनकी गुस्ताखी उनके नाम में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग और मुस्लिम समाज पूरे दुनिया को उनके लिए शहादत देने के लिए तैयार है। हम हिंदुस्तान के आइन को मानने वाले लोग हैं लेकिन आइन के बाद हम हमारे समाज का जैसे प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का संविधान में हमें अधिकार है उसका उपयोग कर हम जरूरत पड़ने पर रोड पर भी उतरेंगे। हम सरकार को निवेदन देकर ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा आक्रोश है, ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज है, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तौर से आपकी तौर पे हम है ना इंटीमेशन भी देना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर हम रोड पर उतरेंगे।